हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक लौंग आपके स्वास्थ्य और सौंदर्य को रखेगा बरकरार। लौंग की भारतीय मसालों में मुख्य जगह है। इसके उपयोग से खाने में स्वाद के साथ साथ कुछ अहम गुण भी जुड़ जाते हैं। इसका उपयोग तेल व एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। लौंग में आपके स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के कई गुण होते हैं। लौंग का धार्मिक दृष्टि में भी बहुत महत्व है। लौंग और घी का दीपक जलाकर पूजा की जाती है। लौंग में सोडियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ए, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और फाइबर मौजूद होते हैं। लौंग के स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ लौंग के तेल में एंटीऑक्सीडेंट, रोग प्रतिरोधक, जीवाणुरोधी, एंटीवायरल और एंटीसेप्टिक जैसे गुण होते हैं। हालांकि लौंग हर मौसम में हर उम्र के व्यक्ति के लिए लाभदायक है, पर सर्दी के मौसम में इसकी खास उपयोगिता है। लौंग के तेल की तासीर गर्म होती है और इसी कारण इसे नारियल तेल या फिर किसी अन्य तेल के साथ मिलाकर ही शरीर पर लगाना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे एक लौंग आपके स्वास्थ्य और सौंदर्य को बरकरार रखेगा। सांसों से आने वाली बदबू के इलाज के लिए लौंग बहुत कारगर है। बस आपको लौंग को मुंह में रखकर इसके रस को चूसना है। आप लौंग को अपने खाने में या फिर ऐसे ही सौंफ के साथ खा सकते हैं। लौंग का नियमित इस्तेमाल सांस से आने वाली बदबू से छुटकारा दिलाता है। साथ ही लौंग पाचन क्रिया को भी दुरुस्त रखती है। लौंग से पेट दर्द, एसिडिटी, गैस, उल्टी, मरोड़ और डायरिया की शिकायत दूर होती है। इसके सेवन से आपके पेट की सारी समस्या दूर हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को बस व ट्रेन के लंबे सफर से जी मचलाना या उल्टी जैसी शिकायत होती हो, तो एक लौंग मुंह में रखकर चूसने से उल्टी आनी और जी मचलाना बंद हो जाता है। तो यदि आप सफर में हैं और आपको भी ऐसी ही समस्या है, तो अपने साथ एक लौंग अवश्य रखें। एक लौंग को चबाने से दांतों में होने वाले दर्द से निजात मिलती है और यही कारण है कि 99% टूथपेस्ट में होने वाले पदार्थों की लिस्ट में लौंग खास तौर पर शामिल होती है। साथ ही लौंग में दिमागी स्ट्रेस को कम करने के भी गुण होते हैं। लौंग को आप तुलसी, पुदीना और इलायची के साथ इस्तेमाल करके खुशबूदार चाय बना सकते हैं। यह चाय आपको स्वाद के साथ साथ दिमागी सुकून भी देगी और आपको चिंता मुक्त रखेगी। साथियों, अगर आप त्वचा संबंधित समस्याओं जैसे कील, मुहासे, ब्लैक हेड से परेशान हैं, तो आपकी इन समस्याओं का समाधान लौंग के तेल में छुपा है। आप इसको अपने फेस पैक या फिर नारियल तेल में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये गर्म होता है, इसीलिए इसे अकेले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लौंग जीवन शक्ति कोशिकाओं को पोषण करता है। इसी कारण लौंग टीबी और बुखार में एंटीबायोटिक का काम करता है। यदि किसी को टीबी हो या तेज बुखार हो, तो उसे लौंग का सेवन अवश्य कराएं। दोस्तों, लौंग को मुंह में रखकर उसका रस चूसने से खांसी भी खत्म होती है। जब तक मुंह में लौंग रहता है, तब तक खांसी बंद रहती है। साथ ही लौंग का तेल सर्दी जुकाम को भी दूर करता है। लौंग के तेल की कुछ बूंदे किसी साफ कपड़े पर डालकर उस कपड़े को बार बार सूंघने से सर्दी जुकाम की समस्या ठीक हो जाती है। यदि आपकी नाक भी बंद हो, तो ऐसा करने से बंद नाक की समस्या भी दूर हो जाती है। दोस्तों, वात विकार या जोड़ों के दर्द की समस्या में लौंग का तेल बहुत आराम पहुंचाता है। यदि आपको जोड़ों के दर्द की समस्या है, तो लौंग के तेल को नारियल के तेल के साथ मिलाकर अपने जोड़ों की मालिश करें। इससे आपको बहुत जल्द ही आराम मिलेगा। तो साथियों, ये हमने आपको बताया कि कैसे एक लौंग आपके स्वास्थ्य और सौंदर्य को बरकरार रख सकती है। तो हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। ऐसी ही जानकारियाँ हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। धन्यवाद।